हाय हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राकेश एंड यू आर वाचिंग योर चैनल गोलू शरीफ। तो दोस्तों, अगर आप एक स्टूडेंट है और या एक वो प्रोफेशनल और या एक आप यूट्यूबर है, आप सब लोगों के लिए मैं एक आज अच्छा लैपटॉप लेकर आया हूँ जो आपको एचपी ब्रांड की तरफ से आएगा। तो वो कौन सा मॉडल है, उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आज हम ये सारे चीज आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो वीडियो पर लास्ट तक देखते रहिए। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने वीडियो में आपको बताया था, आज सबके लिए मैं एक अच्छा लैपटॉप लेकर आया हूँ। ये है वही लैपटॉप जो है एचपी ब्रांड की तरफ से और इसका मॉडल नंबर है 14SCR2000TU और इसका कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस प्रकार का है। कोर i5 10 जनरेशन, उसमें 8GB RAM, 256 SSD, 1TB हार्ड डिस्क, विंडोज 10 प्लस ऑफिस के साथ ये लैपटॉप आपको मिल जाएगा। तो चलो इस लैपटॉप को अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं इसका फास्ट लुक कैसा है और उसका परफॉर्मेंस चेक करते हैं। तो उसको अनबॉक्स करने से पहले कुछ देख लीजिए, कुछ इस तरह का बॉक्स पैकिंग में ये लैपटॉप आ जाएगा। यहाँ पर आपको देखिए नवंबर 2020 का मैन्युफैक्चरर है और MRP जो है 67,932 यहाँ पर मेंशन है। और जो जैसे कि कॉन्फ़िगरेशन मैंने बताया, यहाँ पर सारे कॉन्फ़िगरेशन डिटेल्स लिखा गया है, अगर आप चाहे तो पॉज करके ये डिटेल्स पढ़ सकते हैं। तो चलो अब देरी ना करते हुए इस मॉडल को अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं ये जो 10th generation i5 का लैपटॉप है उसमें कुछ अलग चार्जर दिया है इसमें। ये वही सेम 55W। ओके, ये है उसका इंटर मैनुअल, ये है उसका अडाप्टर, वही सेम 65W ब्लू पिन का अडाप्टर जो एचपी के सारे मॉडल में वही आता है। तो और उसका लैपटॉप जो थर्मोकोल पैकिंग के साथ आता है और इसका ये है उसका पावर कॉर्ड, बस कुछ इतना ही है। चलो इसको हम साइड कर देते हैं, अभी इसको भी हम साइड कर देते हैं। अब देखते हैं लैपटॉप कैसा है। तो देख लीजिए ये लैपटॉप, अभी हमने पॉलिथीन से निकाल लिया है। ये देखिए लैपटॉप का पहला लुक, फर्स्ट लुक देख लीजिए, कुछ सिल्वर कलर में आपको आ जाता है ये लैपटॉप और यहाँ पर आपको बड़ा सा एचपी का लोगो मिल जाता है। उसका डिजाइन बहुत, उसका वेट बहुत हल्का है, उसका वेट लगभग 1.4 kg का है, इसीलिए ये लैपटॉप को आप हर तरह जो जिसमें भी ट्रैवल करें ये लैपटॉप आप यूज कर सकते हैं, उसको भी कैरी कर सकते हैं। तो चलो इसको खोल देते हैं। ये देखिए ये है लैपटॉप का, ओपन करने के बाद ये फास्ट लुक है। देखिए ये 14 इंच का फुल एचडी एंटी ग्लेयर डिस्प्ले इस मॉडल में आपको मिल जाएगा, उसके साथ यहाँ पर HP True Vision HD कैमरा आपको मिल जाएगा, उसके साथ ये जो कीबोर्ड है स्टैंडर्ड कीबोर्ड आपको मिल जाएगा, ये आपका स्टैंडर्ड कीबोर्ड है, उसके साथ आपको बैकलाइट भी ये प्रोवाइड करता है, ये आपका बैकलाइट कीबोर्ड है। और इसका देख लीजिए यहाँ पर टच पैड दिया गया है, बहुत बड़ा सा टच पैड है जिसे आप आराम से यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको पूरा एक 10th generation का लोगो और यहाँ पर आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होम एडिशन दिया गया है, उसका भी आपका स्टिकर यहाँ पर दिया गया है। तो पीछे में आप यहाँ पर देख लीजिए विंडोज 10 का लोगो यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर जो आपका सर्विस सपोर्ट के लिए एचपी का है वो सारे डिटेल्स यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर दो बड़े बड़े रबर का ग्रिप दिया गया है जिस वजह से आपका लैपटॉप नीचे खिसकेगा नहीं। और यहाँ पर एयर वेंट के लिए पोर्ट्स दिया गया है जिससे आपका लैपटॉप कूलिंग कूल रहेगा। इस मॉडल में आपको
थ्री सेल का लिथियम आयन बैटरी मिल जाएगा, जिससे आपका बैकअप 6 से 8 घंटे तक आराम से ये मॉडल आपको बैकअप दे देगा। और सबसे अच्छी चीज ये है कि ये मॉडल बहुत हल्का है, लगभग 1.43 केजी का है, जिससे इतना लाइट वेट मॉडल आज तक एसपी ने नहीं बनाया होगा शायद। बहुत अच्छा है, आपको इसको एक उंगली से भी पकड़ सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो दोस्तों मेरा सजेशन ये है कि अगर आप एक बजट में हर तरह का काम करने के लिए एक नया लैपटॉप खरीदना चाहते हैं, बिल्कुल आप इस मॉडल को परचेज कर सकते हैं, इस मॉडल में कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा। तो अब बात कर लेते हैं इसके पोर्ट के बारे में। पोर्ट के बारे में आप देख लीजिए, यहाँ पर आपको मिल जाएगा चार्जिंग का पोर्ट। अब हम इसके पोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं इस लैपटॉप के। यहाँ पर आपको चार्जिंग का पोर्ट मिल जाएगा, यहाँ पर आपको इथरनेट का पोर्ट मिल जाएगा, उसके पास में आपको HDMI का पोर्ट, 2 3.1 USB और ये आपका ऑडियो और माइक का हाइब्रिड जैक आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और इस साइड में आप बात करें, ये आपका सिक्योरिटी का लॉक है जो इंडिया में ज्यादातर यूज नहीं होता है। और यहाँ पर टाइप सी का पोर्ट दिया गया है, उसके साथ यहाँ पर SD कार्ड के लिए स्लॉट आपको मिल जाएगा। उसके पास में आपको हार्ड डिस्क LED और पावर LED के लिए इंडिकेटर दिया गया है। तो मैं इसके अभी तो इसका कॉन्फ़िगरेशन के बारे में आपको एक बार फिर से बता देता हूं। इसका कॉन्फ़िगरेशन कोर i5 10th जनरेशन है, जिसका प्रोसेसर का स्पीड है 1.6 GHz का है, उसको आप टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी से 4.2 तक बूस्ट कर सकते हैं। और इसमें 8GB का DDR4 2666 GHz का आपको RAM मिल जाएगा, उसके साथ 256GB M2 का SSD इस मॉडल में आपको मिल जाएगा, प्लस उसमें और स्टोरेज के लिए 1TB एक्सटर्नल 1TB का इंटरनल हार्ड डिस्क भी आपको मिल जाएगा, जो आपको स्पीड के साथ आपको स्टोरेज भी दे देगा, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और इसका OS के बारे में बात करें तो इसमें वो आपको Windows 10 जेन्युइन लाइफ टाइम के लिए मिल जाएगा, उसके साथ स्टूडेंट एंड होम एडिशन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वो भी लाइफ टाइम के लिए आपको मिल जाएगा। तो इस मॉडल में एक ही प्रॉब्लम, इसमें आपको ग्राफिक्स नहीं मिलेगा, जो इंटेल 640 ग्राफिक्स है वही इस मॉडल में आपको मिल जाएगा। फिर भी इस मॉडल का स्पीड बहुत अच्छा है, इस मॉडल में आप चाहे तो वीडियो एडिटिंग कर लो, या आपका ऑफिस वर्क कर लो, या बिजनेस का कोई भी काम कर लो, आप आराम से कर सकते हो। और इस मॉडल को आप अगर ऑफलाइन से खरीदने जाते हो तो लगभग आपको वही 57 से 58 तक के अंदर मिल जाएगा। अगर आप चाहे इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, जहां से आप जाकर इस मॉडल को परचेज कर सकते हो। तो दोस्तों बस कुछ इतना ही था इस मॉडल के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए और हमारा चैनल गुल्लू सॉल्यूशन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों।